हेलो एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख रहे हैं एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल का यूट्यूब कोर्स, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स में ज्योमेट्री का पार्ट थ्री। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रायंगल्स स्टार्ट किया था, तो हम ट्रायंगल्स को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में खास हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले साइन रूल, कोसाइन रूल, ठीक है, और एरिया बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ट्रायंगल के, वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपका प्रिपरेशन हो रहा है, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं केवल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे साथ जुड़कर। ठीक है, चलिए अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हमेशा की तरह, जैसे कि मैं आपको शुरुआती तौर पर पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसके एक दो सवाल यहाँ रिविजन के तौर पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। इफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, पी क्यू इज इक्वल टू 11, क्यू आर इज इक्वल टू 15, देन व्हाट इज द मिनिमम इंटीग्रल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ पी आर। एक अधिक कोण त्रिभुज है जो कि क्यू पर अधिक है, तो Q को यहां बनाना पड़ेगा, अधिक कोण इसी तरीके से दिखेगा, ये P है ये R है। ठीक है, साथ में दिया हुआ है PQ का वैल्यू 11 और QR का वैल्यू 15, आपको निकालना है PR का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात PR की बात मैं करूं तो अगर एक ट्रायंगल बनाना है तो उस केस में 11 प्लस 15 से तो छोटा होना पड़ेगा इसको, और 11 माइनस 15 का जो मॉड्यूलस वैल्यू होता है इससे बड़ा होना पड़ेगा। मतलब 11 माइनस 15 का मॉड्यूलस वैल्यू माइनस 4 का पॉजिटिव वैल्यू होगा जो कि 4 होगा, 4 से बड़ा होना पड़ेगा, और 11 प्लस 15 जोड़ लोगे तो ये 26 से छोटा होना पड़ता है। ये तो केवल ट्रायंगल की कंडीशन है, लेकिन इसको अभी क्या बनाना है हमें, इसे हमें बनाना है एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो कि क्यू पर ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर जो है ये छोटा हो जाता है पीआर के स्क्वायर से, ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं, करेक्ट। तो पीआर का स्क्वायर जो भी है वो इससे, इन दोनों के स्क्वायर से बड़ा होगा जब ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कशन कर रखी है पिछले वीडियो में। तो यहां पर देखिए 11 का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा पीक्यू की जगह पर, और 15 का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा क्यूआर की जगह पर, इससे बड़ा है पीआर का स्क्वायर, बराबर। तो बताइए 11 का स्क्वायर 121, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ लिया जाए तो यहां 6 आएगा, यहां पर 4 आएगा, यहां पर 3 आएगा, 346। अब 346 से बड़ा होना चाहिए और इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, दूसरी बात। ठीक है, यहां पर इंटीग्रल वैल्यू आपको चाहिए, इंटीजर लेंथ बोला गया है तो आप कोई भी वैल्यू नहीं दे सकते यहां पर। ठीक है, तो इंटीजर लेंथ लेने के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए वैल्यू, तो आप जानते हैं इसके ऊपर 19 स्क्वायर आता है, 19 स्क्वायर क्या है तो 361 है, क्योंकि इसके बाद अगला स्क्वायर वही आता है, तो 19 ही इसका सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकता है, इससे छोटा आप नहीं ले सकते। इससे छोटा आप लेंगे तो वैल्यू जो है वो आपका यहां पर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल नहीं देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेंगे इसी पैटर्न का, उसके बाद फिर आज के जो टॉपिक है साइन रूल कोसाइन रूल उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो क्या दिया है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है फिर से 8, 15 और x, जिसमें x इज एन इंटीजर। हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर एग्जिस्ट। तो सबसे पहली बात, अधिक कोण त्रिभुज की बात हो रही है जिसमें 8, 15 और x सेंटीमीटर है, x एक पूर्णांक है, तो ऐसे कितने त्रिभुज हो सकते हैं आपको बताना है। देखिए, सबसे पहली बात तो x का एक रेंज डिफाइंड है जो कि 8 प्लस 15 मतलब 23 से तो छोटा होना चाहिए, और 15 माइनस 8 मतलब 7 से तो बड़ा होना चाहिए, 7 से 23 के बीच में ही हो सकता है x का मान। दूसरी बात हम देखें तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, तो दो कंडीशन बन सकता है कि ये 15 सबसे बड़ा साइड हो या ये x सबसे बड़ा साइड हो, ये दो कंडीशन बन सकता है। तो मान लेते हैं कि 15 सबसे बड़ा साइड है, इस केस में 15 जो है वो x से बड़ा होगा, इसका एक कंडीशन बनेगा। दूसरा, x सबसे बड़ा साइड हो उस केस में 15 से बड़ा हो जाएगा आपका x। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपके यहां पर बन सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने की आगे, तो अब आप जानते हैं कि जब भी जो सबसे बड़ा साइड होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, बाकी दोनों साइड जो है छोटे वाले एक्स स्क्वायर प्लस आठ स्क्वायर, ये छोटा हो जाता है 15 के स्क्वायर से जो कि सबसे बड़ा साइड होता है। इसकी बात करें तो यहां पर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर जो है ये छोटा हो जाता है एक्स के स्क्वायर से, बराबर। 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर जो है ये छोटा हो जाता है एक्स के स्क्वायर से। अब यहां से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, दो कंडीशंस यहां पे आपको मिल चुके, तो ऐसे कितने संभव मान है वो सारे यहां पर आपको इनइक्वालिटी से सॉल्व करने पर पता चल जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो हम इसको अगर देखें तो यहां पर एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, इस 8 स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाते हैं
तो 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस का 64, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जो है छोटा आ रहा है किससे, यहां पर 5 में से 4 गया तो बचा 1, 22 में से 6 गया बचा 16, ठीक है। अब देखिए यहां पर मतलब एक्स का मान जो है वो एक्चुअली छोटा हो जाएगा 12 या उससे बराबर, क्योंकि 169 होता है 13 स्क्वायर, इसके बाद 12 ही आएगा। मतलब देखिए एक्स 15 से बड़ा है 12 से छोटा है, मतलब इस कंडीशन में एक्स के जो मान आ सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो एक्स के मान क्या क्या हो सकते हैं, 12, क्योंकि देखिए आप 15 से छोटा ले रहे थे एक्स को, 15, 11, ठीक है, फिर 10 आ सकता है, 9 आ सकता है, 8 आ सकता है, ये 10 वैल्यू संभव है, क्योंकि एक्स जो है वो 7 से बड़ा है, 7 के बराबर भी नहीं हो सकता। अगर 7 के बराबर हो गया तो ट्रायंगल ही संभव नहीं है। तो यहां पर यही 10 4 5 पॉसिबल वैल्यूज है एक्स के, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। दूसरे कंडीशन में हम देखें तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, देखिए भाई 8 15 17 जो है ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, मतलब ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 17 का स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो मतलब 17 से बड़ा होना चाहिए एक्स का मान। क्या आप यहां पे एक्स को 17 भी ले सकते हैं क्या, 17 तक नहीं ले सकते, क्योंकि 17 अगर बराबर हो गया उस कंडीशन में वैल्यू जो है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। कहने का मतलब ये 17 से बड़ा और यहां पर 23 से छोटा, तो 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20, 21, 22, ये 5 वैल्यू संभव है, ये 5 वैल्यू, ये 5 वैल्यू, 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए ताकि एक रिविजन हो जाए जो चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़ी है, ठीक है उसका। अब ये जो चीजें हमने देखा था, ये इनइक्वालिटी जो आया था वो हमने कोसाइन रूल से सीखा था, जो कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था। अब थोड़ा डिटेल में हम डेप्थ में कोसाइन रूल को समझ लेते हैं होता क्या है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेना कॉपी में, साइन रूल कोसाइन रूल, जिया नियम और कोजिया नियम, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको होता क्या है। देखिए साइन रूल को पहले समझ लेते हैं या कोसाइन रूल को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें यदि हम देखें तो कोसाइन रूल को समझने की जब बारी है तो यहां पर आपको समझना होगा कोई भी त्रिभुज में एंगल ए जो है कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल बी को कैपिटल बी से, एंगल सी को कैपिटल सी से, और ये आपका एंगल ए के पीछे वाले साइड को स्मॉल ए से, एंगल बी के पीछे वाले साइड को स्मॉल बी से, एंगल सी के पीछे वाले साइड को स्मॉल सी से निरूपित किया जाता है। ये बात हमने पिछले वाले वीडियो में भी कवर करके रखा हुआ है। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉस ए का फॉर्मूला लिखेंगे, ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ठीक है। कॉस ए जब आप लगा रहे हो तो क्या करोगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ लेना स्क्वायर में, इसको माइनस कर देना, डिवाइड करके इन दोनों को फिर से ट्वाइस ऑफ bc मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे कॉस बी देखोगे तो कॉस बी इस एंगल पे लगाना है, कैसे करोगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर जोड़ देना, माइनस पीछे वाले साइड का यानी ऑपोजिट वाले को माइनस कर देना बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, यही हो रहा है ना। इसी तरीके से कॉस सी का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab, ये एक तरीका है कोसाइन रूल को याद रखने का। दूसरा तरीका ये भी है, आप इसको रीअरेंज करेंगे, ये 2bc यहां पे चला जाएगा, फिर 2bc कॉस ए को राइट साइड, ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले जाइए, तो यही रिजल्ट मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, क्लियर। और इसको रीअरेंज करोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। मतलब देखिए अगर आपको यहां पर बी स्क्वायर चाहिए तो क्या करना होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac कॉस बी, मतलब आपको ये दोनों साइड और ये एंगल दे दिया जाए तो आप बी ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। मतलब दो साइड और इंक्लूडेड एंगल कभी भी दे दिया जाए, तीसरे वाले को फाइंड करने को कहे, क्या करोगे, कोसाइन रूल लगाओगे। इसी प्रकार सी स्क्वायर चाहिए तो सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2bc कॉस सी, ठीक है, यही है यहां पर 2ab कॉस सी, ठीक है। ये हो गया भाई कोसाइन रूल, ठीक है, कोजिया नियम। अब ये है आपका जिया नियम यानी कि आपका साइन रूल। इस साइन रूल को भी समझ लेते हैं, जब आपको abc ट्रायंगल दिया हुआ है उसके ऑपोजिट वाले साइड्स abc इस तरीके से दिए हुए हैं, तो स्मॉल a डिवाइडेड बाय साइन कैपिटल a, स्मॉल b डिवाइडेड बाय साइन कैपिटल b, स्मॉल c डिवाइडेड बाय साइन कैपिटल c हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, ये कॉन्स्टेंट बराबर 2r होता है और इसी आर को हम कहते हैं सर्कम रेडियस यानी परित्रिज्या, ठीक है, यानी परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है उसी को परित्रिज्या हम कहते हैं कैपिटल आर, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, यही आपका साइन रूल है। तो जब भी कभी दो एंगल और एक साइड दिया हुआ है दूसरा साइड निकालना है तो साइन रूल लगाना, लेकिन दो साइड और एक एंगल दिया हुआ है तीसरा साइड निकालने को बोला जाए तब कोसाइन रूल लगाना, ठीक है। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ आशा करता हूं आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया होगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहां से। पहला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 30 डिग्री, एंगल सी इज 45 डिग्री,
एंड बी सी इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। देखिए एक ट्रायंगल आपको बनाना है ऐसा ए बी सी, एंगल बी जो है वो कितना है 30 डिग्री है, एंगल सी जो है कितना है 45 डिग्री है, और बी सी का वैल्यू जो है या 50 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया है। क्या निकालने को बोला गया, आपको बोला गया ए बी की लंबाई है, तो ये ए बी है, इसकी लंबाई बताना है। तो देखिए दो एंगल है, एक साइड है, तो यहां पर आपको साइन रूल लगाना होगा, लेकिन साइन रूल लगाने के पहले आपको देखना होगा ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो क्या आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए 30 डिग्री और 45 डिग्री जोड़ने पर 75 होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, मतलब जो तीसरा एंगल होगा इन दोनों को माइनस करोगे तो 105 डिग्री आएगा, मतलब ये जो वैल्यू है 105 डिग्री हो जाएगा। यहां तक क्लियर, चलिए अब आप समझिए यहां से कि आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, अब ये वाला साइड अगर एक्स है ए बी का साइड, तो इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय साइन इसके पीछे वाला 105 डिग्री, ठीक है, तो ये निकालना जरूरी था, तो साइन रूल के तहत आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से कुछ लोग सोच रहे होंगे साइन 105 डिग्री तो हमने याद किया ही नहीं है। देखिए जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो एडवांस्ड आइडेंटिटीज जो पार्ट थ्री था उसमें हमने देखा था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, आप लोग को याद होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये आपको याद होगा। तो मैं इसको यहां पर इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर 105 डिग्री है ना, तो साइन 105 का मतलब क्या होता है, साइन 105 डिग्री का मतलब होता है, ठीक है, 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस 15 मतलब कि कॉस 15, और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू हो जाता है रूट थ्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, रूट थ्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, क्योंकि देखिए अगर आपको साइन 105 डिग्री निकालना है, क्या निकालना है हमें साइन 105 डिग्री, ठीक 105 डिग्री निकालना है, तो इसको आप ऐसा तोड़ सकते हैं, इसको साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री ऐसा तोड़ सकते हैं कि नहीं। अब साइन 60 डिग्री होता है रूट थ्री बाय 2 और 45 होता है 1 बाय रूट 2 प्लस कॉस 45 होता है यहां पर 1 बाय रूट 2 और साइन ये वाला होता है 1 बाय 2, तो देखिए एलसीएम तो 2 रूट 2 हो गया और ऊपर यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक यहां से वैल्यू आ जाएगा रूट थ्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, ये एक्चुअली कॉस 60 डिग्री होगा जो कि 1 बाय 2 होता है, साइन 45 1 बाय रूट 2 होता है, इस तरीके से रूट थ्री प्लस 1 बाय 2 रूट 2 होगा। तो कोई भी वैल्यू ऐसा कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाए तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप सब जानते हैं यहां पर कॉस 15 डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना होगा यहां पर जो कि होता है रूट थ्री प्लस 1 बाय 2 रूट 2, और फटाफट आप यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए साइन 45 का वैल्यू 1 बाय रूट 2 होता है, तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा, यहां से रूट 2 एक्स बन जाएगा, ये यहां 50 आ रहा है, इसका वैल्यू हमने देख लिया रूट थ्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 है, तो यहां पर 2 रूट 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है 2 रूट 2 यहां ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 2 रूट 2। अब बताइए वही वैल्यू क्या आ रहा है, रूट 2 से रूट 2 कट गया, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1 है, इसको अगर हम सॉल्व करें नीचे रैशलाइजेशन करके तो रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, तो 100 इंटू रूट 3 माइनस 1 तो ठीक है, और दूसरा जो वैल्यू यहां बच रहा है इसका रैशलाइजेशन करोगे 3 माइनस 1 तो 2 आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 50 आ रहा है, वैल्यू जो है 50 इंटू रूट थ्री माइनस वन होगा, मतलब कि जो बी है सवाल सही उत्तर है, बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो साइन 105 डिग्री जो है ये एक नया चीज था जो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं, हालांकि यहां पर फॉर्मूला जो है वो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। तो साइन 105 डिग्री देखकर घबराना नहीं है क्योंकि आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, आप यहां पर कॉस 15 का वैल्यू याद रख सकते हैं, तो इसी के तहत कुछ चीजों को आप नोट डाउन कर लेना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साइन 75 डिग्री बराबर कॉस 15 डिग्री बराबर होता है रूट थ्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, और साथ ही साथ साइन 15 डिग्री बराबर कॉस 75 डिग्री बराबर होता है रूट थ्री माइनस 1 बाय 2 रूट 2, ठीक है। अगर हम यहां से टैन 15 डिग्री की बात करें तो टैन 15 डिग्री बराबर कॉट 75 होता है, ठीक है, और ये हो जाएगा भाई रूट थ्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस 1, अगर आप इसको रैशलाइजेशन करेंगे तो 2 प्लस रूट थ्री इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 2 माइनस रूट थ्री, सॉरी साइन 15 बाय कॉस 15 होगा ना, तो एक्चुअली 2 ये माइनस ऊपर जाएगा
और प्लस नीचे आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 रैशनलाइजेशन करने पर। और वहीं जब आप यहां पर टेन 75 डिग्री का मान निकालने जाए तो यही क्या होता है, यही कॉट 15 डिग्री के बराबर भी होता है, और दोनों का मतलब क्या हो जाता है, इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1। इसको रैशनलाइजेशन करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो इसको आप नोट डाउन करके रखेंगे, बढ़िया नोट्स बना के रखिए इसका भी वैल्यू उसका, ठीक है। चलिए ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई इस क्वेश्चन के जरिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, यहां पर दिया हुआ है एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें बी बराबर पाई बाय 3 है, सी बराबर पाई बाय 4 है, बीसी को इंटरनली 1:3 रेशियो में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन बीएडी बाय साइन सीएडी निकालना है। तो देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक, ए बी और सी, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। बी एंगल जो है ये आपका पाई बाय 3 है, पाई का मतलब हम सब जानते हैं 180 डिग्री होता है, तो जैसे ही 180 बटा 3 दिखा मतलब ये 60 डिग्री होगा बराबर, और यहां पाई बाय 4 है एंगल सी, पाई बाय 4 का मतलब 180/4 मतलब ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है, ये सब आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्कशन किया है ट्रिग्नोमेट्री में। अब बीसी में हम एक पॉइंट ले लेते हैं डी, सच दैट वो इसको इंटरनली 1:3 में बांटता है, तो यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया डी को, सच दैट इसको 1:3 रेशियो में बांट रहा है। 1:3 का मतलब अगर ये एक्स होगा तो ये 3x हो जाएगा बराबर, मैं क्या करूंगा इस एडी को जोड़ दूंगा, इससे होगा ये कि यहां पर हमें जो वैल्यूज निकालने हैं वो साइन बीएडी एंगल, जो कि आपको ये वाला एंगल दिखाई दे रहा होगा इस बीएडी एंगल पर, और साइन सीएडी एंगल, ये वाले एंगल पर आपको यहां पर साइन रूल लगाना है। तो देखिए कुछ चीजें जो कॉमन है और जो दी गई है उसको आप करेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि साइन निकालना है तो साइन रूल लगाने की तो आवश्यकता पड़ेगी। एक बार साइन रूल हम लगाएंगे ये एबीडी ट्रायंगल में, एक बार लगाएंगे एसीडी ट्रायंगल में, तो हमारा रिजल्ट यहां पर ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए साइन जब बीएडी की बात होगी तो यहां इस ट्रायंगल की बात होगी एबीडी ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल एबीडी में आप लगाइए साइन रूल, एबीडी में हम लगाएंगे साइन रूल, तो देखिए एक्स डिवाइडेड बाय साइन एबीडी आएगा, साइन बीएडी, और यहां पर एडी कॉमन है ना, तो एडी इसमें भी है इसमें भी है, तो एडी के जरिए आप साइन रूल लगाएंगे तो एडी डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री आएगा बराबर। इसी तरह ये जो दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल एसीडी, इस पर भी साइन रूल लगा देते हैं तो क्या होगा, तो यहां से आपका दिखेगा यहां पर 3x है, ठीक है, तो 3x के पीछे वाला जो साइड है वो ये वाला एंगल है सीएडी, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है साइन सीएडी इज इक्वल टू, अब यहां से एडी लगाओगे तो एडी के पीछे यहां पर 45 डिग्री है, तो अब आ जाएगा एडी डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री। जो चीज आपको चाहिए उसके ऊपर फोकस करिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन बीएडी बाय साइन सीएडी, तो साइन बीएडी यहां जो ऊपर था ये तो ऊपर जाना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से हम डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे हम, ये जो दो इक्वेशन आपको दिख रहा है इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे, तो होगा क्या, यहां पर साइन बीएडी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और साथ में ये जो x है नीचे आ जाएगा बराबर, और ये जो साइन 60 डिग्री है ये भी उल्टा हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री ऊपर और AD नीचे इस तरीके से आ जाएगा बराबर। तो हमने क्या किया इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया नीचे वाले में, बस अब इसको सॉल्व करिए, x x कट गया तो 3 × sin BAD डिवाइडेड बाय साइन CAD है बराबर, यहां पर AD और AD कट गया, 60 डिग्री होता है √3/2 और 45 डिग्री होता है 1/√2, तो यहां से 1/√2 ऊपर चला जाएगा, बताइए अब वैल्यू कितना आ रहा है। इस √3 को देखते साथ समझ में आता है कि ये इसको √3 टाइम्स काटेगा, √2 जो है इसको √2 टाइम्स काट देगा, मतलब ये √3 को उठा के नीचे भेज देते हैं तो ये √3 जो है इस √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 1/√6 बना देगा वैल्यू को, ठीक है, ये कितना बन जाएगा 1/√6 बन जाएगा, ठीक, तो यही सवाल का सही उत्तर है, सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें कि एंगल ए दिया हुआ था, एबी का वैल्यू है, एसी का वैल्यू है, बीसी का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल कोसाइन रूल, जब दो साइड दिया हुआ है एक एंगल इंक्लूडेड दिया वहां कोसाइन रूल लगाएंगे, लेकिन दो एंगल दिया हुआ है एक साइड दिया वहां साइन रूल लगाना है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दिया था थ्योरी पार्ट में, एक बार यहां पर अब समझ लेते हैं इसको। एंगल ए जो दिया हुआ है आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये बी है ये सी है, इसको बना लेते हैं एक कंप्लीट ट्रायंगल, तो एबी का वैल्यू जो है ये 6 है, एसी का वैल्यू जो है ये 8 है, आपको बीसी निकालना है, तो इस बीसी को मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूं, और बी के पीछे वाले साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सी के पीछे वाले साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर का वैल्यू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी
कॉस ए, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो अगर मुझे ए निकालना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट कर लूंगा दोनों तरफ बराबर। और ए है क्या, ए है बीसी, बीसी का ही तो वैल्यू हमको निकालना है, तो बीसी का वैल्यू कुछ और नहीं है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 × 6 × 8 इंटू कॉस 120 डिग्री। और कॉस 120 डिग्री आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 120 डिग्री निकालना, कॉस 120 बताइए भाई क्या होगा। देखिए 120 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री से 80 के बीच में, यहां पर केवल साइन पॉजिटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्री के पहले वीडियो में हमने ये चीज डिस्कस किया हुआ है। तो अगर ये 120 डिग्री है तो इसको हम 90 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे, तो 90 प्लस 30 होगा, तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा साइन 30, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ साइन 30 होगा, साइन 30 का वैल्यू आधा होता है, तो माइनस 1/2 इसका वैल्यू। तो इस कॉस 120 डिग्री की जगह मैं लिख सकता क्या, यहां पर लिख सकता हूं माइनस का आधा, ये दो इस दो को काट देगा, ये बन गया 36 + 64, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 6 × 4 = 48 होता है, बताइए कितना आ रहा है, 36 + 64 = 100 होता है, प्लस 48 करोगे तो 148 आएगा, ठीक है। क्या ऑप्शन में ऐसा कोई वैल्यू दिख रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि दो बाहर है, तो अगर मैं इसके चार को अलग करूं तो 3 times कटेगा ये 12 से, फिर 28 आ रहा है 7 times। अब देखिए ये 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा √37, ठीक है, 2√37 यहाँ पर आंसर होगा, डी जो है सवाल का सही उत्तर। यहाँ तक समझ में आ गई बातें, ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, कोसाइन रूल से संबंधित। यहाँ पर आपको अगला सवाल निकालने के पहले यहाँ पर कुछ और वैल्यूज आपको निकालने को बोल रहा है, यहाँ पर आपको एरिया निकालने को बोल रहा है। तो देखिए कोसाइन रूल से आप यहाँ एक्स का मान तो निकाल लेंगे, एक एंगल और दो साइड दिया हुआ है, कोसाइन रूल लगाएंगे एक्स तो निकल जाएगा, लेकिन अब आपको यहाँ पर केवल एक्स निकालने से बात नहीं चलेगी, आपको क्षेत्रफल यानी एरिया निकालनी है। तो जब एरिया निकालने की बारी आती है तो यहाँ कुछ फॉर्मूलेज और देखने होंगे, चलिए समझते हैं इसको। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल की मैं बात करूं तो एक ट्रायंगल के एरिया को बहुत अलग अलग तरीके से हम यहां पर निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगल आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, एबीसी ट्रायंगल, इस एबीसी ट्रायंगल में हमने क्या किया, एडी एक लंब बनाया, तो ये हाइट H1 बन गया, ये साइड ए बन गया। तो पहला जो तरीका होता है किसी भी ट्रायंगल के एरिया को निकालने का, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ½ × a × h1 होगा, ये पहला तरीका होता है किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने का तरीका, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहां से दूसरे साइड से भी अगर एक परपेंडिकुलर बना दें इस तरीके से, इसको नाम दे दें H2, तो आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं ½ BH2 हो जाएगा, लेकिन अब B रहेगा बेस और हाइट हो जाएगा H2। इस तरीके से आप तीन तरीके से, यहां C से बनाएंगे तो ये C के साथ H3 एक हाइट रहेगा, CH3 भी आप ½ CH3 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे थे पार्ट 4 वीडियो में, मैंने कुछ बातें बताई थी, उसको यहां पर मैं यूज करूंगा। जैसे कि आप इस छोटे ट्रायंगल के ऊपर फोकस करिए, यहां पर एंगल बी दिखाई दे रहा है आपको, ये H1 को मैं लिख सकता हूं सी साइन बी, H1 को क्या लिखा जा सकता है सी साइन बी, तो सी साइन बी से आप इसको हटा देंगे तो एरिया आ जाएगा ½ AC sin B। मतलब कि अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो अगर आपके पास ए है सी है और यह एंगल है, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ½ AC sin B से आपका एरिया निकल जाता है ट्रायंगल का। उसी प्रकार अगर आपके पास ए बी दिया है तो उसके साथ ये वाला सी दिया जाना चाहिए एंगल, तो ½ AB sin C से भी आपका एरिया निकल जाएगा। अगर आपको बी और सी का लेंथ दिया हुआ है तो ½ B × C और साइन ए, इस तरीके से भी आपका एरिया निकल जाएगा। तो साइन थीटा के साथ साथ जो इंक्लूडेड साइड्स के साथ इंक्लूडेड एंगल दे दिया जाए तो आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक, ये एक फॉर्मूला हो गया। इसी के तहत एक और फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं कि हिरोन्स फॉर्मूला, इसे हम कहते हैं हिरोन्स फॉर्मूला। एस जो होता है भाई सेमी पेरीमीटर होता है, एस क्या है सेमी पेरीमीटर, यानी कि इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो होता है a + b + c। जब सेमी पेरीमीटर बोल रहे हैं तो अर्ध परिमाप, तो a + b + c का आधा सेमी पेरीमीटर होता है, एस से इसको निरूपित करते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा s − a, s − b, s − c√। ठीक है, और यही आपका हिरोन्स फॉर्मूला कहलाता है, हिरोन्स फॉर्मूला कहलाता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों साइड्स आपको दिए हैं, आप एरिया निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज के एरिया निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसमें से एक तरीका है ये वाला जिसको अभी हम यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा
कि कैसे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ कोसाइन रूल से डायरेक्टली एक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर आप कोसाइन रूल लगाएं तो 21 का जो स्क्वायर है ये बराबर हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू एक्स इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 का वैल्यू अभी अभी देखा माइनस 1/2 होता है, तो इसकी जगह मैं माइनस 1/2 लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई करके, तो 2 और 2 कट जाएंगे, ये बन जाएगा भाई 441, ये बन जाएगा 81, ये बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस का 9x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x, और इस 441 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 81 में माइनस होगा तो 360 आएगा माइनस में, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब आपको इस तरीके से यहाँ मिड टर्म स्प्लिट करना है कि माइनस करने पर दो वैल्यूज जो है 360 के फैक्टर्स इस तरीके से माइनस होंगे कि 9 बने। तो देखते साथ समझ में आ रहा है, यहाँ पर विषम संख्या है, 9 विषम संख्या, और विषम संख्या तभी बनती है जब एक संख्या विषम हो और दूसरी संख्या सम हो। इसका मतलब इसके अंदर जितने भी सम फैक्टर्स हैं उन सबको एक साथ लेना होगा, जितने भी इवन नंबर से एक साथ लेना होगा। देखिए जैसे मैं अगर बात करूँ 4 × 90, इसमें अभी भी एक विषम नंबर छुपा, सम नंबर छुपा हुआ है, तो इस 2 को और अलग कर लेते हैं तो 45। इसका फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने तो यहाँ पर 8 × इसको 45 लिख सकते हैं। 45 को फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 × 15 आएगा, ठीक, क्योंकि देखिए मुझे दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिसका डिफरेंस 9 बने, तो 8 और 45 में तो बात नहीं बन रही है, डिफरेंस कुछ और आ रहा है, ठीक है, 37 के आसपास। अब अगर मैं इस 3 और 8 को मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा 24, 24 × 15 360 होता है, साथ ही साथ 24 और 15 का डिफरेंस 9 होता है। अब जैसे ही आपने देख लिया ये ऐसा है, मतलब x के दो रूट्स होंगे 24 और यहाँ 15, जिसमें से बड़ा रूट माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, और छोटा रूट पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब x का जो मान है वो है 15, और नेगेटिव आप ले नहीं सकते क्योंकि ये लेंथ है, तो लेंथ कभी नेगेटिव होता नहीं है, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 15। x का वैल्यू 15 आ गया, आप क्या करें, अगर x का वैल्यू 15 आ गया तो एरिया आप निकालना जानते हैं, ये होता है 1/2 × 9 × 15 और मल्टीप्लाइड बाय ये 120 है ना, तो साइन 120 डिग्री और लिख लेना यहाँ पर। साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, देखिए कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा ये, कॉस 30 डिग्री क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आप इसको ओरली भी देख सकते हैं कि 90 + 30 है, तो 90 + 30 में साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कॉस 30 डिग्री आएगा, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो मैं यहां लिख लेता हूं √3/2। तो ना 9 ना 15 दो से कट सकता है, तो 4 नीचे आ जाएगा, √3 भी नहीं कटेगा, 9 × इतना होता है 135, यही ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 135√3/4। तो ए जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, बातें समझ में आ रही है किस तरीके से हमें साइन रूल कोसाइन रूल के क्वेश्चंस को हैंडल करने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहां पर एबीसी ट्रायंगल है जिसमें एबी बराबर है 12, एबीसी एंगल है बराबर 30 डिग्री, एसीबी बराबर है यहां पर 45 डिग्री, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलिए सॉल्व करते हैं, डायग्राम नहीं दिया तो डायग्राम बनाना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एंगल एबीसी जो है ये 30 डिग्री है, एसीबी जो है ये 45 डिग्री है, ए बी सी और एबी बराबर है 12 सेंटीमीटर। अब एरिया कैसे निकाला जाए, देखिए भाई अगर आपके पास एक एंगल है दो एंगल है एक साइड है तो साइन रूल लगाना पड़ेगा। यहां से मैं एसी बहुत आसानी से निकाल सकता हूं, एसी का लेंथ मैं एक्स ले लूं तो एक्स डिवाइडेड बाय साइन 30 बराबर हो जाएगा 12 / sin 45, ठीक है। तो अगर यहां पर ये साइन 30 है तो 2 × x होगा, साइन 45 है तो 12 × √2 हो जाएगा क्योंकि 1/√2 होता है ना, तो रूट 2 पर चला जाएगा, ये भी 1/2 होता है तो 2 पर चला जाएगा, 2 से काटा जाए तो 6 आ जाएगा, मतलब x बराबर कितना है 6√2 होगा, ये हो गया भाई 6√2। 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 105 डिग्री क्योंकि तीनों का सम होना चाहिए कितना, तीनों का सम होना चाहिए 180, तो अगर यहां 30 45 हो गया तो तीसरा वाला 105 डिग्री होगा, करेक्ट। अब बताइए कैसे एरिया निकालेंगे, देखिए भाई दो साइड आ गए, इंक्लूडेड एंगल आ गया, तो एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो एरिया जो होता है ये हो जाएगा 1/2 × 12 × 6√2 × sin 105। साइन 105 का वैल्यू क्या होता है, साइन 105 डिग्री को हमने इसी वीडियो में कवर करके रखा है, साइन 105 को आप याद करके रखिए, साइन 105 का वैल्यू होता है √3 + 1
रूट थ्री प्लस एक डिवाइडेड बाय टू रूट टू, ठीक है। तो यहां से इसको अगर काटेंगे तो रूट टू और रूट टू कट जाएगा, टू टू जो फोर होता है, फोर इसको काटेगा थ्री बार, थ्री इंटू सिक्स होता है एटीन मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री प्लस वन, अठारह मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री प्लस वन कहां गया, यहां पर बी जो है सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस हम यहां पर साइन रूल लगा रहे हैं, और एक बार साइन रूल से आपके दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आ गया तो एरिया निकालना बहुत आसान है, क्योंकि दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आ गया तो एरिया निकालना कोई बड़ी बात होती नहीं है। यहां तक बातें समझ में आ गई, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां क्या दिया हुआ है। एंगल ए जो है 60 डिग्री है, ए बी का लेंथ 3 दिया हुआ है, ए सी का लेंथ 4 है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, ए डी इज द एंगल बायसेक्टर। देखिए एंगल बायसेक्टर यहां पर दिया हुआ है आपको एडी है, और एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, ए बी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ए सी का वैल्यू 60 है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जब भी कोई इक्वेशन नहीं, मतलब कि डायग्राम नहीं दिया तो पहले डायग्राम बनाना पड़ता है। तो ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, ठीक है। एडी को बोला गया है यहां पर कोण समद्विभाजक है, अर्धक है, कोण समद्विभाजक है, तो इसको दो पार्ट में बांटेगा सच दैट ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल है। अब पूरा का पूरा एंगल कितना था, ए 60 डिग्री था, अगर ये कोण समद्विभाजक है मतलब ये इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा 30 डिग्री और 30 डिग्री में। यहां तक समझ में आ गई बात। आपको निकालना क्या है, ए बी पहले दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर और साथ में आपको ए सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, आपको एडी का वैल्यू निकालने को कह रहा है। एडी का वैल्यू मैं मान लेता हूं एक्स, ठीक है, इस एडी का लंबाई मान लेते हैं एक्स। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा ट्रायंगल एबीडी का एरिया प्लस ट्रायंगल एसीडी का एरिया। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है क्या, बताइए। मैं कह रहा हूं ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है ये बराबर है ट्रायंगल एबीडी का एरिया प्लस ट्रायंगल एसीडी का एरिया, तीनों के एरिया का, यानी इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर पूरे बड़े एरिया, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। ऐसा करने से यह होगा, क्योंकि हमारे पास यहां 3 है यहां 4 है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 डिग्री, ऐसा लिख ही सकते हैं। इसकी बात करूं एबीडी की, तो आपके पास 3 है, इसका वैल्यू एक्स है जो हमें फाइंड करना है, एडी का लेंथ मैंने एक्स मान के रखा है जिसको फाइंड करना है, तो यहां पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 डिग्री, क्योंकि आधा है ना ये, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस इस वाले ट्रायंगल की भी बात करें तो हाफ इंटू 4x इंटू साइन 30 डिग्री यहां पर भी आ जाएगा, बराबर, करेक्ट। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो पूरे के पूरे यहां पर ट्रायंगल को देखा जाए तो ये हाफ 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 तो पूरा कट ही जाएगा, ये आधा, ये वाला आधा और ये वाला आधा कट ही जाएगा। बात करते हैं आगे इसमें, तो 3 इंटू 4 कितना होता है, तो 12 होता है, ठीक है, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, 12 हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। साइन 60 डिग्री रूट 3/2 होता है, अगर मैं साइन 30 डिग्री को कॉमन निकाल लूं बाहर तो अंदर बचेगा 3x प्लस 4x जो कि बन जाएगा 7x, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है आधा, तो आधा यहां पर आ जाए, 2 और 2 कट गया, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 12 रूट 3 डिवाइडेड बाय 7, मतलब ए जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है बातें, तो बहुत यहां पर अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके एरिया जो कि साइन रूल के बेसिस पे जो एरिया निकलता है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, एंगल बायसेक्टर के ऊपर। यहां पर कई बार कंफ्यूज हो जाता है हमको करना क्या है क्वेश्चन देखने के बाद, ठीक है। तो ये सारी ऐसे ऐसे एप्लीकेशन है साइन रूल के ऊपर, बेस्ड एरिया के ऊपर क्वेश्चन जो कि यहां पर यूज होते हैं इस तरीके क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज दिया हुआ है, जिसमें कि क्यू आर का वैल्यू जो है, क्यू आर का लेंथ आपको दिया है 18 सेंटीमीटर है क्यू आर का लेंथ, ठीक है। अब यहां से आपको पीएस का वैल्यू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो इस पीएस का वैल्यू मैं मान लेता हूं यहां से 9 सेंटीमीटर। आपको इसके बाद बोल रहा है कि पीक्यूआरएस का एरिया बताइए क्या होगा, कुछ आगे दिया नहीं हुआ है, तो कैसे सॉल्व करें इस सवाल को। देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहां पर क्या करना होगा, हमें एक्सटेंड कर देना होगा, यहां 60 डिग्री, यहां 60 डिग्री, यहां 150 डिग्री दिया, तो आप इस एंगल को भी निकाल ही सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा होगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा इसको एक्सटेंड कर दूंगा, इस तरीके से एक्सटेंड कर देते हैं। अब जैसे ही आपने एक्सटेंड किया पी क्यू आर एस, इसको टी मान लेते हैं, ठीक है, टी मान लेते हैं इस साइड को। अब आप इस टी क्यू आर ट्रायंगल को देखिए, एक एंगल 60 है, दूसरा एंगल 60 है, तो तीसरा एंगल कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा,
यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अब ये जो टी क्यू आर ट्रायंगल है ये तो बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, बन गया कि नहीं? क्योंकि देखिए भाई यहां भी 60 डिग्री, यहां भी 60 डिग्री, यहां भी 60 डिग्री, मतलब ये पूरा का पूरा साइड जो है और ये पूरा का पूरा साइड जो है ये सारे 18 हो जाएंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर एक साइड 18 तो ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा। अब इस 60 डिग्री को देखते साथ समझ में आ रहा है ट्रायंगल टी क्यू आर का एरिया तो निकालना बहुत आसान है क्योंकि हाफ इंटू इस 18 को इस 18 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू साइन 60 डिग्री होता है रूट 3/2, ये आपका बन जाएगा एरिया। तो आप यहां पर एक चीज नोट डाउन कर लेना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर, इस चीज को आप नोट करके रख लेना। आज आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अगर पहले आपसे कभी भी डिस्कशन किया भी होगा इसके बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया साइन 60 डिग्री का रूट 3/2 होता है, हाफ इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय रूट 3/2 होगा, तो रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है, जो कि यहां पर साइन रूल से मैंने यहां पर इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, इस चीज का आप नोट बना लीजिए। कंटिन्यू करते हैं इस सवाल को। यहां से आपको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालने के लिए अगर मैं इस छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं तो बड़े ट्रायंगल से इस छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो निकल ही जाएगा, करेक्ट? तो कैसे निकालें भाई इसका एरिया? देखिए हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। अब हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने आपको एक बात बताया है, 60, 90 और 30 ट्रायंगल। देखिए ये जो एंगल है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल टीपीएस का, और एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, जिसमें से एक 60 डिग्री हुआ तो ये 150 डिग्री माइनस 60 यानी 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर एक एंगल 90 है एक 60 है तो तीसरा एंगल कितना होगा ये आप लोग भली भांति जानते हैं, 30 डिग्री का, और वहां पे भी हमने ये डिस्कस किया था 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल को। 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री वाला जो ट्रायंगल होता है ये 1√3:2 के रेशियो में रहता है, तो 60 के पीछे वाला साइड 3√3 के अगर बराबर हुआ तो 30 के पीछे वाला साइड जो है ये वाला जो साइड है ये बराबर हो जाता है 1 के बराबर। तो अगर ये √3 = 9 है तो एक बराबर हो जाएगा 3√3, एक बराबर हो जाएगा 3√3। अब देखिए आपके पास यहां पर 9 आ गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू √3 आ गया, तो आप ट्रायंगल टीपीएस का एरिया निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा हाफ इंटू ये हो जाएगा आपका 9 × 3√3, और बीच में साइन 90 डिग्री है तो साइन 90 तो 1 होता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 2 इसको 9 मल्टीप्लाई करने पर यानी 81√3 यहां पर आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये बन जाएगा 27√3 × 2। क्या अब आप इसका एरिया निकाल सकते हैं PQRS का, क्योंकि आपके पास मोटे ट्रायंगल का एरिया है TQR का और छोटे ट्रायंगल का एरिया TPS का, दोनों को माइनस कर दीजिए तो यहां पर क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल जो आया PQRS इसका एरिया बन जाएगा 81√3 − 27√3/2। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, 27√3 को कॉमन निकाल लेते हैं ना, 27√3 को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 27√3 को मैं कॉमन निकालू तो यहां 3 बचेगा, यहां माइनस का आधा बचेगा, 3 − 1/2 कितना हो गया, 5/2 हो गया, मतलब 5 × इतना करोगे 135 आएगा, 135√3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 135√3/2 यानी सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करने के पहले थोड़ा सा मैं डिस्कशन आपके साथ कर लेता हूं। ठीक है, कोई भी दो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप बना दीजिए, किसी भी शेप का, मोटे छोटे बड़े और किसी भी कद का क्वाड्रिलेटरल आप बना लीजिए चतुर्भुज। इसमें अगर मैं कहूं इसका एरिया एक्स है, इसका एरिया वाई है, इसका एरिया डब्ल्यू है, इसका एरिया जेड है, तो एक्स इंटू वाई का एरिया जो होता है ये डब्ल्यू इंटू जेड के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको यहां पर यूज करना है इस क्वेश्चन में। ऐसा होता क्यों है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए आपको यह समझना होगा कि ये जो साइन थीटा होता है और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के पहले ही वीडियो में मैंने इसके बारे में बात किया है कि साइन थीटा बराबर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्यों होता है, तो अगर आप ये नहीं जानते उस वीडियो को जरूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। साइन थीटा बराबर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है क्योंकि आप x एक्सिस के अबाउट चेंज करते हैं तो साइन फंक्शन साइन में रहता है। दूसरी बात, आप यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो साइन फंक्शन पॉजिटिव है, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन पॉजिटिव आएगा यहां पे, इसलिए साइन यहां पर पॉजिटिव का वैल्यू पॉजिटिव ही है। ठीक, तो इसके तहत
अगर आप देखेंगे इस फिगर को तो यहां पर दो ट्रायंगल एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक एबीसी ट्रायंगल है और ये सीडीई एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, सीडीई दूसरा ट्रायंगल है। तो अगर मैं यहां पर इस एंगल को थीटा मानूं तो दूसरा एंगल यहां पर 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, होगा कि नहीं। तो अगर हम यहां पर दोनों ट्रायंगल के रेशियो की बात करें, एक बार ट्रायंगल बीएसी हमने लिया, दूसरी बार हमने एसीडी लिया, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया हो जाता है वो हाफ इंटू, पहले इसकी बात करेंगे तो ए इंटू बी, ए क्या है ये वाला लेंथ, बी है ये वाला लेंथ, मल्टीप्लाइड बाय साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। साथ में इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो हाफ इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा और बीच में साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा, और साइन थीटा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा सेम होता है, तो ये दोनों के दोनों जो है ए बी बाय एक्स वाई आ जाएगा यहां पर। क्लियर, मतलब कि आप डायरेक्टली कोई भी ट्रायंगल आपको दे दिया जाए इस तरीके की फिगर में, तो इसका और इसका एरिया क्या होगा, ए सी मल्टीप्लाइड बाय बी सी और यहां ई सी मल्टीप्लाइड बाय सी डी, ये आपका एरिया का रेशियो बन जाएगा। इसी के तहत आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं किसी दो ट्रायंगल के एरिया को, ठीक है। और भी तरीके होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं इस फिगर की, एक और तरीका हमने देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर एक ही बेस है, ये बीसी जो है एक ही बेस है, इस बेस पर दो ट्रायंगल हमने बना दिए, एक ट्रायंगल है एबीडी, दूसरा ट्रायंगल है सी एसीडी। अगर मैं कहूं कि ये जो बीडी और सीडी है इसके जो बेसेस है ये ए अनुपात बी में है, तो जो एरिया हो जाएगा ट्रायंगल एबीडी का और एसीडी का ये भी ए अनुपात बी में ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई यहां पर एरिया इसका निकालोगे तो हाफ इंटू बीडी इंटू हाइट मल्टीप्लाई करोगे, और हाइट भाई क्या है, हाइट आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक का हाइट सेम है, चाहे आप इस छोटे ट्रायंगल को लो, चाहे इस मोटे ट्रायंगल को लो, चाहे पूरे के पूरे ट्रायंगल को लो, तीनों का हाइट सेम है अगर आप इस बेसी बीसी वाले बेस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हाइट जो होगा वो बीडी मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कट जाएगा, तो बीडी अनुपात सीडी जो है यही इसका रेशियो बन जाएगा, मतलब ए रेशियो बी जो है यही इन दोनों ट्रायंगल का भी एरिया का रेशियो हो रहेगा। यहां तक क्लियर, चलिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो क्वेश्चन वहां पर बेस्ड था इसके ऊपर, तो यहां से आप समझिए, मैं यहां पर थोड़ा सा और आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें, एक क्वाड्रिलेटरल आप बना दीजिए, किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल आप बना लीजिए, ठीक है, किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल आप बना लीजिए। मान लेते हैं इसका एरिया एक्स है, इसका एरिया वाई है, ठीक है, इसका एरिया क्या है एक्स है, ये वाले का एरिया एक्स है, इसका एरिया वाई है, इसका एरिया जेड है, इसका एरिया डब्ल्यू है। अब अगर ये एंगल थीटा हुआ, इसके जो डायगोनल होते हैं चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो अगर पॉइंट ओ पर मिले, तो एक एंगल यदि यहां पर थीटा बनाएगा तो दूसरा एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। साथ में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी समुच्च कोण बराबर होते हैं, तो थीटा के पीछे यहां पर भी थीटा है, 180 डिग्री माइनस थीटा के पीछे यहां पर भी 180 डिग्री माइनस थीटा बना हुआ है। एरिया की मैं बात करूं तो ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए ओ बी की बात करें तो हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन थीटा होता है, यह हम भली बात ही जानते हैं। उसी प्रकार एंगल ट्रायंगल सीओडी की बात करते हैं तो सी यहां ओ यहां डी यहां पर है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं सीओडी की, इसका एरिया भी क्या होगा तो हाफ इंटू ओडी इंटू ओसी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक बातें समझ में आ गई, तो ये क्या है भाई, ये है आपका एक्स, ये क्या है भाई, ये है आपका वाई, तो एक्स क्या है इस ट्रायंगल का एरिया, वाई है इस ट्रायंगल का एरिया। इसी प्रकार से हम देखेंगे ट्रायंगल बीओसी का एरिया, तो ट्रायंगल बीओसी इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ओबी इंटू ओसी इंटू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ओबी इंटू ओसी इंटू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। साथ में एओडी की बात करें तो एओडी का एरिया यानी ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हाफ इंटू एओ ओए इंटू ओडी इंटू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। यदि इस चीज की बात करें तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा दोनों के दोनों साइन थीटा के बराबर ही होते हैं। तो अगर मैं यहां पर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि एक्स इंटू वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो हाफ ओ ए इंटू ओ बी यानी वन फोर्थ ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी इंटू ओ डी इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। साथ में अगर मैं यहां पर डब्ल्यू और जेड को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया यानी ट्रायंगल बी ओ सी इंटू ए ओ डी, इसका भी वैल्यू वन फोर्थ इंटू ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी इंटू इंटू साइन स्क्वायर 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो आप देखिए क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब आप इस रिजल्ट को लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई बराबर डब्ल्यू इंटू जेड होता है, इस रिजल्ट को आप नोट डाउन करके रखें। क्लियर,
चलिए अब देखिए कुछ ट्रायंगल जो कि मैंने आपको पहले भी बता के रखा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में, इसको हम साइन रूल के तहत भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए भाई, ये कौन सा ट्रायंगल है, 30 और 60 और यहां पर √3 है, ठीक है। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो अगर आप यहां पर ए बी अनुपात, ठीक है, ए बी जो है 30 डिग्री के पीछे और बीसी जो है 60 डिग्री के पीछे और 90 डिग्री के पीछे एसी है, इसका अनुपात अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या होगा भाई, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, यही होगा। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं इसका वैल्यू आधा होता है, इसका वैल्यू √3/2 होता है और इसका वैल्यू 1 होता है। तो अगर इस 2 को दूसरी तरफ भेज दिया जाए तो 1:√3:2 होगा। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे, क्लियर। इस ट्रायंगल की हम बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 30, 30 और 120 डिग्री का ट्रायंगल है, तो साइन 30 डिग्री और साइन 120 डिग्री, यही आएगा। साइन 30 डिग्री का मतलब होता है आधा, ठीक है, और इसका वैल्यू हो जाएगा आधा और इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2, तो यही अनुपात बनेगा कि नहीं इन तीनों साइड्स का, 1:1:√3 का, करेक्ट। तो यहां से इसका रेशियोज जो है आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं साइन रूल के तहत, 45, 45 और 90, तो 1/√2, 1/√2 और 1 बन रहा है, √2 को तीनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/√2 बन जाएगा। तो साइन रूल के तहत भी आप ये चीजों को सीख सकते हैं कि यहां पर जो ट्रायंगल्स है उन किसी भी ट्रायंगल का जो साइड्स है उसका रेशियो क्या होता है, साइन रूल के तहत आप इसको निकाल सकते हैं, क्लियर। यहां तक बातें समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं वापस उस सवाल पर, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी रिजल्ट के तहत। अब इस सवाल को देखें, हम तो क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया है जिसके डायगोनल्स ओ पॉइंट पर मीट करते हैं। तो यहां इसके अंदर एओबी बीओसी सीओडी का जो एरिया दिया हुआ है 11.2, 16 और 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है रिस्पेक्टिवली, तो पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, आप यहां पर अभी अभी हमने जो थ्योरम देखे हैं उसके बेस पर इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसके डायगोनल्स जो है बीसी होंगे और एसी और बीडी होगा, ठीक है। ये कहां पर मीट कर रहा है, तो पॉइंट ओ पर। अब कुछ ट्रायंगल्स यहां पर 4 ट्रायंगल बन गए, एक एओबी बीओसी सीओडी और डीओए। एओबी की बात करूं तो 11.2 है इसका एरिया, बीओसी की बात करूं तो बीओसी का एरिया 16 है, सीओडी की बात करूं तो 14 है और इसका एरिया जो है एक्स है, एओडी मान लेते हैं इसको एरिया, क्योंकि आपको टोटल एरिया चाहिए तो पहले तो एक्स निकालना पड़ेगा ना, और अभी अभी हमने देखा कि ऑपोजिट एरिया का जो प्रोडक्ट है सेम होता है, तो 16x बराबर हो जाएगा 11.2 × 14, ठीक है। अब अगर आप 16 को इससे काटोगे तो 0.7 टाइम्स कटेगा, 7 जो है इसको बना देगा 9.8 टाइम जाएगा, डेसिमल है तो 0.9.8 आ गया, मतलब इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया भाई 9.8। अब पूरा एरिया निकालना ही तो है, 9.8 है ये, ठीक है, 14 + 16 होता है 30, 9 + 11 होता है 20 और 0.8 + 0.2 जो है 1 हो जाएगा, मतलब टोटल 51 आ रहा है, इसका एरिया जो होगा 51 cm² हो जाएगा, ठीक। कैसे हमने इसको सॉल्व किया, कैसे हम इस थ्योरम को यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, खासतौर से ट्रेपेजियम में और भी अच्छे सवाल बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जो है 2P दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल। देखिए भाई, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब सम द्विबाहु त्रिभुज जो कि यहां पर एक राइट एंगल्ड भी है। तो सबसे पहली बात, 90 डिग्री एक एंगल होगा और क्योंकि सम द्विबाहु है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको मैं मान लेता हूं एबीसी, इसका परिमाप आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो यहां से अगर मैं बात करूं 90 डिग्री है एक एंगल, क्योंकि आइसोसेलेस है तो ये 45, 45 डिग्री इक्वल हो जाएंगे और हम जानते हैं कि इसमें साइड्स का रेशियो 1:1:√2 का बनता है। तो परिमाप की जब बात हो रही है, परिमाप होता है इन तीनों का सम, तो 1 + 1 + √2, बताइए भाई कितना होगा, 1 + 1 + √2 मतलब 2 + √2 इसका परिमाप हो गया, जिसका वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 2P। तो भाई इस एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2P / √3 √2 बराबर। तो इसमें अगर आप इसको रैशनलाइज करें तो ऊपर नीचे 2 - √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा बराबर। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से जो है ये बना देगा इसको 2 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर जो कि होता है 4 - √2
और इसके जगह पे आप लिख सकते हैं 2 रैशलाइज करने पर, तो 2 और 2 कट गया, मतलब एक यूनिट का वैल्यू है भाई, एक यूनिट का वैल्यू है 2 माइनस रूट 2 इंटू पी, ये है एक यूनिट का वैल्यू, मतलब ये ए बी का वैल्यू भी 2 माइनस रूट 2 इंटू पी है, बी सी का वैल्यू भी 2 माइनस रूट 2 इंटू पी है। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ ए बी इंटू बी सी इंटू साइन 90, साइन 90 तो 1 होता है, मतलब डायरेक्टली इस ट्रायंगल के एरिया की जब बात हो रही है तो वो हो जाएगा हाफ इंटू, ट्रायंगल का एरिया जो हो जाएगा हाफ इंटू इसका लेंथ इंटू इसका लेंथ, जो कि दोनों के दोनों सेम है, तो पी स्क्वायर इंटू 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर होगा, करेक्ट। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को याद करिए, तो यहां से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा 2, तो 4 प्लस 2 हो गया 6, माइनस 2 रूट 2 मतलब 4, तो यहां पर आ जाएगा 6 माइनस 4 रूट 2, ठीक है। तो अगर हम इस 2 से काट दें इसको, तो यहां पर 3 यहां पे 2 आ रहा है, मतलब जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है, इंटू पी स्क्वायर, तो ये हो गया भाई एरिया, पी स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ये सी वाला ऑप्शन है, यही सही लग रहा है, यही सही होगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां दिया हुआ है किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 50 है, 24 है, और इसका क्षेत्रफल जो है 360 है, तो इस त्रिभुज का परिमाप बताना है आपको, तो 2 साइड दिया हुआ है किसी त्रिभुज का, तो मान लेते हैं कि त्रिभुज कुछ ऐसा बना होगा ए बी सी, जिसमें एक का वैल्यू यहां पर 50 दिया हुआ है, एक का वैल्यू दिया हुआ है 24, इसका वैल्यू अगर मैं मान लूं थीटा है, तो क्या हम इस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया होता है हाफ इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 360 एरिया है, और जैसे ही आप यहां पर साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 साइड्स और एक एंगल दिया है, जिससे आप कोसाइन रूल लगाकर तीसरा साइड निकाल सकते हैं, एक बार तीसरा साइड निकल जाएगा, तो वहां से आप इस त्रिभुज का परिमाप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे आधे से काटूं तो 25 बन जाएगा, 24 में 12 छुपा हुआ है, 12 से इसको काटोगे तो 30 बार कटेगा, 2 और है तो यहां 15 बार काट देगा इसको, 5 से काटो तो ये बन रहा है 3, और 5 से काटो तो बन रहा है 5, मतलब साइन थीटा बराबर 3/5, अगर साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा बराबर 4/5 होगा, 4/5 होगा, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक, क्योंकि देखिए साइन थीटा का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ये 3 है तो ये 5 है, तो ट्रिपलेट होता है ना 3 4 5, तो कॉस थीटा 4/5 हो जाएगा, यहां तक क्लियर। अब अगर इस बीसी लेंथ को मैं एक्स मान लूं, तो इसका वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक्स बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 24 इंटू, अब यहां कॉस थीटा आएगा जो कि होता है 4/5, यहां तक क्लियर बातें। चलिए बताइए कितना आएगा वैल्यू, 5 से काटने पर ये बन जाएगा 10, ठीक, और बाकी जो वैल्यूज है वो कितने हो रहे हैं, देखिए ये तो आपका बन जाएगा 2500, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये आपका बन जाएगा 24 का स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा 576, माइनस करना है आपको ये वैल्यू, तो 2 इंटू सबसे पहली बात ये तो 24 है, तो 192 हो जाएगा ये, क्योंकि 8 है, 8 इंटू 192 और ये 0 बन जाएगा, ठीक है, इसका बताइए वैल्यू कितना होता है, अगर मैं 5 इसमें जोड़ दूँ तो 3076 आ रहा है, इसमें से अगर मैं 1920 माइनस करूँ तो यहाँ 56 बचेगा और यहाँ पर बच जाएगा 11, ठीक है, मतलब ये वैल्यू जो है ये है 1156 टोटल, 1156 का स्क्वायर रूट, 1156 देखते साथ क्या समझ में आ रहा है किसका स्क्वायर है, ये 25 में यदि मैं 16 माइनस करूं मतलब ये 34 का स्क्वायर है, ये 34 का स्क्वायर, ठीक है, तो 34 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक। चलिए अब देखिए, जैसे ही हमने फाइंड कर लिया कि 34 का स्क्वायर है, ठीक है, अब इसका परिमाप ही निकालना रह गया, तो 34 प्लस इतना करने पर होता है 58 प्लस इतना करने पर 108 आएगा वैल्यू, क्योंकि परिमाप क्या होता है 50 प्लस 24 प्लस 34, मतलब ये जो 108 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया, देखिए भाई बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक में ये सारी बातें हमने डिस्कशन की है, जिसका बैक कैलकुलेशन यूज करके मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, तो बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक जो कि इस पूरे सीरीज का सबसे पहला वीडियो था मैथ्स लेक्चर का, जिसमें मैंने कुछ बातें आपको सिखाई थी, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, स्क्वायर्स निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ दिया हुआ है
इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू और पी आर पर दो पॉइंट है एस और टी, जिसमें पी एस और एस क्यू का रेशियो दिया हुआ है, पी एस अनुपात एस क्यू का रेशियो दिया हुआ है 3:4 और पी टी अनुपात टी आर का रेशियो दिया हुआ है 6:5। अब एस टी क्यू आर का एरिया 177 है इस पूरे एरिया का, आपको पी क्यू आर का एरिया निकालना। देखिए बहुत सिंपल है और ये आपके इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत बार आपके एस एस सी में पूछा गया है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो वही कॉन्सेप्ट है जो हम अभी तक सीखते आ रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, फिर समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहली बात, हमने जो एरिया का फॉर्मूला देख लिया है उस एरिया के फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या एरिया का फॉर्मूला हमने देखा, ये वाला एरिया का फॉर्मूला जो हमने देखा है उसको हमको यूज करना होगा। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया जो होता है हाफ इंटू ए सी इंटू साइन बी होता है, इसी फॉर्मूले के तहत सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, तो इस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, कभी भी आपको इस तरीके का फिगर दिख जाए तो आप यहां पर देख रहे हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है, मैंने यहां पी क्यू बना दिया सच दैट ए पी अनुपात पी बी जो है, ए पी अनुपात पी बी दिया हुआ है ए एस टू बी, यही दिया था सवाल में, और साथ में यहां पर क्यू जो है ए क्यू अनुपात क्यू सी जो है ये एक्स एस टू वाई है, यही दिया हुआ था। अब जब इस ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल की बात हो रही है तो इसमें एक एंगल कॉमन है जो कि क्या है, यहां पर थीटा, ये थीटा कॉमन है, और अनुपात जो दिया हुआ है वो इसके और इसके रेफरेंस पे दिया हुआ है। तो सिंपल सी बातें यहां पर करेंगे हम, ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल छोटू ट्रायंगल और ये ए बी सी जो बड़ा ट्रायंगल है इसके रेशियो, एरिया के रेशियो की बात करें तो ये हो जाता है हाफ इंटू ए पी इंटू ए क्यू, क्योंकि देखिए इसका एरिया क्या होता है ए पी इंटू ए क्यू डिवाइडेड इंटू साइन थीटा होता है, अगर छोटे ट्रायंगल की बात करें। बड़े ट्रायंगल की बात करें इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी, पूरा का पूरा ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए सी मल्टीप्लाइड बाय फिर से साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर भी साइन थीटा नीचे भी कैंसिल आउट हो गया, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा यहां पर कुछ चीजों को, जैसे कि मैंने यहां पर ए पी और ए बी को एक ब्रैकेट में हमने ले लिया ए पी डिवाइडेड बाय एक, और ये ए क्यू बाय ए सी को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास ए पी अनुपात पी बी है ए एस टू बी, तो क्या आप ए पी अनुपात ए बी नहीं निकाल सकते, अगर ए पी अनुपात पी बी जो है ए एस टू बी है तो ए पी अनुपात ए बी जो है ए पी बाय ए बी ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। उसी प्रकार ए क्यू डिवाइडेड बाय ए सी निकालना है तो एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यही आपके दोनों ट्रायंगल का रेशियो है, ट्रायंगल ऊपर वाला और पूरे ट्रायंगल का रेशियो ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, इसी चीज का हमें वहां पर फायदा उठाना है। ठीक है, चलिए इस सवाल को देख लेते हैं, हम समझेंगे थोड़ा सा। जैसे कि आप यहां पर ट्रायंगल पी एस टी है डिवाइडेड बाई बड़ा ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको आपको निकालना है। देखिए आपको दिया है पी एस अनुपात एस क्यू दिया हुआ है 3:4, पी टी अनुपात टी आर दिया हुआ है 6:5, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 इज 7, 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 5 इज 11, ठीक है, तो बन गया 18 डिवाइडेड बाय 77, मतलब पूरे के पूरे ट्रायंगल में से इस छोटे ट्रायंगल का एरिया 18 यूनिट है और पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया जो है 77 यूनिट है। तो ये जो छोटा वाला यहां पर क्वाड्रिलेटरल रह गया इसका एरिया क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर 18 पूरे का पूरा एरिया है और ऊपर वाले का और यहां पर पूरे पूरे का एरिया 77 है तो इसका मतलब जो यहां पर बचा हुआ एरिया है वो 77 माइनस 18 होना चाहिए। 77 माइनस 18 मतलब 7 में से 8 यहां 9 बचेगा, ठीक है, और यहां पर आपका बच जाएगा 59, मतलब कि देखिए ये जो वैल्यू है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है 59 यूनिट है, तो ऊपर वाले का 18 यूनिट है, पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया 77 यूनिट है। सवाल में दिया क्या है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया इतना है, मतलब 59 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 177 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 3 गुना हो रहा है, जो यूनिट है उसका 3 गुना। पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया 77 यूनिट दिया था तो इस 77 का भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, बातें समझ में आ गई आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं तो आप रेडी रहिएगा। यहां पर आपको जो है दिया हुआ है दिए गए चित्र में ए ई अनुपात ई बी जो है ये कितना है 3:2 है, दिए गए चित्र में ए ई अनुपात ई बी जो है 3:2 दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है ए एफ अनुपात एफ सी जो है 1:5 है, और यह भी दिया हुआ है कि बी डी अनुपात डी सी जो है यह कितना है तो 4:3 है।
आपको निकालना है चतुर्भुज ए एफ सी डी अनुपात, मतलब इसका एरिया अनुपात पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये आपको निकालना है। यहां पर आपको रेशियोस दिए हुए हैं, क्लियर। तो अब यहां से कैसे इसको सॉल्व किया जाए, देखिए भाई, अगर आप देखें पिछले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में एक लाइन खींचा हुआ था तो आप इस वाले ट्रायंगल और पूरे ट्रायंगल का रेशियो निकाल रहे थे, लेकिन अब यहां पर दो लाइन खींचा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, इस AEF ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के साथ इसका रेशियो ले लीजिए, ठीक है, BDF BDE और पूरे ट्रायंगल का रेशियो इसके हिसाब से ले लीजिए, फिर वहां से आप इसको बैलेंस करके रेशियो को यहां पर तीसरे वाला जो रिमेनिंग एरिया है उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, घबराइए मत, समझा देंगे अभी। देखिए देखिए, ट्रायंगल यहां पर AEF डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ABC, ये तो हम निकालना सीख गए, इसका अनुपात क्या होता है, यहां पर 3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, 3 प्लस 5 3 प्लस 2 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 जो कि 6 होता है, 3 से काटोगे तो दो बार, मतलब 1 बटा 10 हो रहा है, 1 बटा 10 बन रहा है, क्लियर। अब यहां पर ट्रायंगल BDE डिवाइड बाय ट्रायंगल BDE डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ABC, इसका भी तो रेशियो निकाल सकते हैं, 2/5 2/2 प्लस 3 जो कि हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 4/4 प्लस 3 यानी कि 7, मतलब कितना हो गया, तो 8 डिवाइडेड बाय 35 हो गया, यहां तक क्लियर। अब देखिए ये पूरा का पूरा रेशियो जैसा है, पूरा का पूरा जो है ये रेशियो जैसा है, रेशियो को बैलेंसिंग करना आप भली भांति जानते हैं, रेशियो में हमने डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस की है, इसका मतलब रेशियो ही होता है। अब AEF अनुपात ABC बराबर 1/10 है, BDE अनुपात ABC बराबर 8/35 है, जो कि यहां पर इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि आप एक बार ABC को 10 एक बार ABC को 35 नहीं कह सकते, दोनों को LCM सेम करना पड़ेगा, मतलब इसको 70-70 बना सकते हैं, इसका 2 गुना कर दीजिए 70 बन जाएगा तो ये 16 होगा, तो इसका 7 गुना कर दीजिए 70 हो जाएगा तो ऊपर 7 आ जाएगा। अब ये बात समझ में आती है कि पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया जो है वो है 70, जिसमें से ऊपर वाला ट्रायंगल जो है ये 7 यूनिट का है, ये वाला ट्रायंगल जो लेफ्ट साइड में बन गया ये 16 यूनिट का है, तो क्या आप बचा हुआ एरिया नहीं निकाल पाएंगे, बचा हुआ एरिया हो जाएगा इन दोनों को माइनस करने पर, जो एरिया 7 प्लस 16 हो गया 23, 23 को 70 से माइनस कर देंगे तो यहां 47 बचेगा, ठीक। तो अनुपात आपको किसका किसका निकालना था, क्वाड्रिलेटरल का अनुपात EFCD और अनुपात में ट्रायंगल ABC, तो कितना बचा 47/70 47/70, मतलब सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यहां तक क्लियर। चलिए अगला सवाल यहां दिया हुआ है, DEF पॉइंट है ट्रायंगल ABC में इस तरीके से, जिसमें रेशियो इस तरीके से दिया हुआ है, देन व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द एरिया ABC टू DEF। तब अब इसको भी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ है कि ABC की भुजाओं में, ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ABC, इसके भुजाओं में AB में हमने ले लिया D, ठीक है, और BC कहां है, BC यहां, BC में हमने ले लिया E और CA में हमने ले लिया F, और इस प्रकार हम लेते हैं कि AB अनुपात, यानी कि देखिए यहां पर रेशियो दिया हुआ है कि D जो है AB को 1/3 में बांटता है, E जो है BC को 1/4 में बांटता है, और C जो है, ठीक है, CA को 1/1 में बांटता है। आपको किसका एरिया निकालना है, आपको निकालना है DEF का एरिया, मतलब DEF मतलब ये वाला ट्रायंगल, अच्छा आपको निकालना है त्रिभुज ABC का कितना हिस्सा त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब यहां पर इसका एरिया डिवाइडेड बाय पूरे का एरिया करना है, क्योंकि वही तो आपको हिस्सा बताएगा ना। तो पहले तो आप देखिए, एक लाइन यहां खींचा हुआ है, एक लाइन यहां खींचा हुआ है, एक लाइन, मतलब ये छोटा ट्रायंगल और पूरे ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, फिर रेशियो निकाल के बैलेंस कर लेंगे, चीजों को माइनस करेंगे तो बचेगा वो बीच वाले ट्रायंगल का एरिया रहेगा, बात समझ में आई। तो यहां से आप ट्रायंगल ADF डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ABC ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ADF कितना हो जाएगा 1/4 और यहां से आपका 1/2 आ जाएगा, मतलब कितना 1/8 हो गया, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। ट्रायंगल BDE डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ABC ये भी आप कैलकुलेट करना जानते हैं, यहां से देखिए BDE की बात हो रही है तो ये 3/4 होगा, 3/4 करना है, मल्टीप्लाइड बाय 1/5 होगा तो 1/5 यहां पर आ जाएगा, जो कि कितना है 3/20, ठीक। तीसरे वाले ट्रायंगल की बात करें तो यहां से देखना होगा एंगल सी के तहत, तो 1/2 यहां से आएगा, ट्रायंगल सी एफ ई डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ABC, इसकी बात करेंगे तो यहां से आप देखेंगे तो 1/2 है तो 1/2,
इस एंगल से देखोगे तो 4 डिवाइडेड बाय 5 है, तो ये 4 बाय 5 आ जाएगा, करेक्ट। 2 से अगर काट दे तो ये 2 बाय 5 बन रहा है, ठीक। चलिए अब बताइए भाई कैसे इसको सॉल्व करें, बैलेंस करना है ना, इसे बैलेंस करना है। तो यहां 20, यहां पे 8, यहां पर 5 दिख रहा है, मुझे एक नंबर समझ में आता है 40, जो कि इसका एलसीएम है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 40 बना दूंगा, सबको 40 बना देते हैं। इसको 40 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 40 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 40 बनाने के लिए ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब पूरे के पूरे एबीसी का एरिया अगर 40 है, उसमें से एडीएफ का एरिया हो जाएगा 5 यूनिट, और ये जो बीडीई है इसका एरिया हो जाएगा 6 यूनिट, और सीएफई का जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा 16 यूनिट्स। क्लियर। तो पूरा का पूरा 40 है, इस 40 में से 16 गया, यहां 5 गया, यहां पर 6 गया, मतलब टोटल 27 जा चुका है, 27 गया तो बचा यहां पर 13। और सवाल में यही पूछ रहा था कि बीच वाला ट्रायंगल टोटल का कितना हिस्सा है, तो बीच वाले का 13 हिस्सा है और पूरे का 40 है, तो 13/40 जो है ये बीच वाले ट्रायंगल का हिस्सा हो जाएगा, और बी जो है सवाल का सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, ठीक है, 2018 का सवाल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड, और 2018 में अच्छे अच्छे सवाल आए थे आपके एसएससी का पेपर, अगर आप निकाल के देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे ज्योमेट्री के। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहां से, क्योंकि आपको दिया हुआ है यहां पर PQO। चलिए दिए गए आकृति में 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, मतलब ये 8 सेंटीमीटर वर्ग है, ये वर्ग का मतलब ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, सारे के सारे साइड्स ये भी 8, ये भी 8, सब 8 होगा, ठीक। फिर दिया हुआ है यहां पर PQO, PQO कहां है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। चलिए PQO बराबर है आपका 60 डिग्री, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ POQ, POQ मतलब इसका एरिया आपको निकालना है, बताइए कैसे निकालेंगे। देखिए भाई, अगर ये 60 डिग्री है तो आप जानते हैं कि ये वाला एंगल जो है ये आपका 30 डिग्री होगा, होगा कि नहीं, 30 डिग्री का, ये आप लोग भली भांति जानते हैं, ठीक। अब यहां से अब सॉल्व कैसे किया जाए, यहां से समझिए कि अगर मैं यहां पर साइन रूल लगाऊं तो ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, क्योंकि देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे बस इसका रेशियो चाहिए, ये PO रेशियो OR चाहिए, क्योंकि एरिया निकालना है तो आप जानते हैं बेस जिस यानी कि आधार जिस अनुपात में होते हैं उसी अनुपात में एरिया होता है। तो अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें तो Q से जब आप लंब डालेंगे तो जितना हाइट यहां पर POQ ट्रायंगल का होगा उतना ही QOR एंगल का भी होगा, ट्रायंगल का भी होगा। तो जब हम यहां से रेशियो निकालने की बात करें तो ट्रायंगल चलिए पहले तो हम यहां पर साइन रूल लगा लेते हैं, तो इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाओगे तो QO डिवाइडेड बाय ट्रायंगल POQ में आप साइन रूल लगाएंगे तो OQ डिवाइडेड बाय साइन 45 बराबर हो जाएगा PO डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री, होगा कि नहीं। इसी प्रकार ट्रायंगल QOR इसमें भी आप लगा लीजिए साइन रूल, तो यहां पर भी आपका देखा जाए तो OQ डिवाइडेड बाय साइन 45 तो यहां भी है, OQ डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री तो यहां भी है, तो दोनों में ये चीजें हैं। और दूसरे तरफ देखा जाए तो OR डिवाइडेड बाय साइन 30 है, OR डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री, मतलब कि एक चीज समझ में आता है कि यहां भी OQ डिवाइडेड बाय साइन 45 है, यहां भी OQ डिवाइडेड बाय साइन 45, मतलब PO और OR का रेशियो कुछ और नहीं है, डायरेक्टली साइन 60 और साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से PO डिवाइडेड बाय साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू ओ आर जो कि होता है 1/2, मतलब यहां पर आधा आधा, ये वाला जो दो दो है तो कट ही जाएगा, मतलब डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं कि इस पूरे फिगर में आप ये लिख सकते हैं कि PO अनुपात OQ जो है ये √3/1 है, √3/1 है। इससे फायदा क्या होगा वो अभी समझ में आ जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी पूरे के पूरे वर्ग का एरिया जो होता है, पूरे अगर वर्ग PQRS की बात करूं तो ये होता है साइड का स्क्वायर, मतलब 8 स्क्वायर जो कि हो जाएगा 64। इसमें से आधे वाले मतलब इस वर्ग को अगर मैं दो हिस्सों में बांट दूं PR के विकर्ण से तो जो PQR ट्रायंगल बना, ट्रायंगल PQR, ये 64 का आधा होगा कि नहीं, जो कि हो जाएगा 32। अब यहां से थोड़ा सा समझिएगा, मैंने आपको बता के रखा है कि जो बेस का रेशियो होता है उसी रेशियो में इसका एरिया भी बढ़ता है, तो आपको तो PQO का रेशियो निकालना है ना, ट्रायंगल POQ का रेशियो, तो POQ का क्या हो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाय इसका जो रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा √3/√3+1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं, तो घबराने की क्या बात है, हमारे पास है रैशनलाइजेशन। आप इसको रैशनलाइजेशन करिए, √3 - 1 √3 - 1 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक। तो √3 - 1 - 1, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 - 1 माने 2 आ जाएगा, 2 से इसको 16 टाइम्स काट सकते हैं, तो 16 × अगर √3 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये √3 × √3 3 हो गया, माइनस यहां पर √3 आ जाएगा, 16 × 3 - √3, मतलब डी जो है सवाल का सही उत्तर है। यहां तक समझ में आ गया बातें, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आए हैं और आगे भी आने की संभावना रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें 2 पॉइंट लिया गया डी ई ऑन इस तरीके से कि यहां पर 3 बीसी पर लिया गया कि यहां पर अनुपात जो है 3, 4 और 5 के अनुपात में है। यदि ट्रायंगल एडीई का एरिया इतना है तो पूरे एबीसी का एरिया क्या है बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल सवाल है, यहां पर एबीसी एक ट्रायंगल हमने बनाया, फिर हम 2 पॉइंट ले रहे हैं भुजा बीसी पर जो कि है डी और ई, और वो इस अनुपात से हम ले रहे हैं, इस अनुपात से हम ले रहे हैं कि बीडी जो है वो 3 होगा, तो डीई जो है वो 4 होगा और ईसी जो है ये 5 होगा, इस तरीके से हम यहां पर इसको ले रहे हैं। एडीई जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एडीई दिखाई दे रहा है ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 68 cm². आपको कौन सा एरिया निकालना है, आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल एबीसी का, मतलब ये वाले ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप यहां पर इस पूरे ट्रायंगल को देखें तो यहां बेस बीसी है जिसमें ये अलग अलग ट्रायंगल बनाए गए, सबका जो हाइट है वो सेम है, इस सभी ट्रायंगल का हाइट जो है वो एच है, मतलब जिस अनुपात में इसके बेसेस होंगे उसी अनुपात में एरिया भी होगा। अब 4 यूनिट बराबर इतना है, मतलब 4 यूनिट बराबर कितना है, तो 4 यूनिट बराबर 68 है, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 68 / 4, मतलब कि 17 से गुणा हो रहा है। तो पूरे के पूरे ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो बेस हो जाएगा 3 + 4 + 5 + 3 + 4 + 7 + 5, यानी पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो है वो 12 यूनिट के बराबर है। तो 12 × 17 कर लीजिए, 12 × 7 होता है 84 और 12 + 8 करोगे तो 204, ठीक है। तो ए जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, आशा करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रिजल्ट क्या यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में एक बार और मैं चर्चा कर लेता हूं आप लोगों से कि मैंने आपको जो बताया है वो रिजल्ट क्या है उसको एक बार और डिटेल में हम देख सकते हैं। देखिए ये रिजल्ट हम बार बार यूज कर रहे हैं अभी कि अगर हमारे पास रेशियो ऑफ बेसिस है a:b तो एरिया का रेशियो भी a:b रहेगा क्योंकि हाइट सेम हो जाता है इस रेशियो में, जिस रेशियो में बेस होगा उस रेशियो में एरिया बटेगा। इसी रिजल्ट के ऊपर सैकड़ों सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए, यहां दिया हुआ है ट्रायंगल जो है इस पूरे ट्रायंगल में एबीसी में कुछ साइड्स आपको दिए हुए हैं, एबीडी का आपको रेशियो चाहिए, एबीडी कहां है तो एबीडी ये वाला। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, दो तरीके हैं। पहला तरीका आप हीरोज फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड्स आपको दिया हुआ है, एक साइड है 13, एक साइड है 13, दूसरा साइड है 20, तीसरा साइड है 21। तो इसको आप हीरोज फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए जिस अनुपात में यहां बीडी और यहां पर ये 7 होगा ना, अगर ये पूरा 21 है और ये 7 है तो 2:1 में बट रहा है, तो आप पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और 2:1 में इसको बांट देंगे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। एरिया निकालने के दो तरीके हैं, पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा जो कि हीरोज फॉर्मूला से, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन एक और तरीका है जो आप इसको अगर आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, दो यहां पर पाइथागोरियन ट्रायंगल्स को मिलाकर ये ट्रायंगल बना हुआ है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप नॉर्मल तरीका समझ लीजिए, 41 हो गया, 41 + 13 करोगे तो 54 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करने पर 27 आ रहा है, ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। तो ट्रायंगल का एरिया होता है s - a, s - b, s - c, तो हीरोज फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, तो s कितना है भाई 27, s - a मतलब 13 - तो 14 आएगा, s - b मतलब यहां पर 20 - तो 7 आएगा, s - c मतलब 21 - तो 6 आएगा, ठीक। यहां 7 छुपा हुआ है, इस 6 में 2 और 3 छुपे हुए हैं, इस 2 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा, एक 14 और है तो 14 × 14 1 14 बाहर आ गया, 3 × 27 करोगे तो 81 होता है, 81 का √9 होता है तो बाहर 9 आ जाएगा, मतलब इस ट्रायंगल का पूरा एरिया 126 आ रहा है। क्या आप मेरी बातों से सहमत है यहां तक, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है 126 cm². तो ये हो गया भाई हीरोज फॉर्मूला से, लेकिन
अगर आप हीरोज फार्मूला लगाए बगैर यहां पर इसको सॉल्व करना चाहते, देखिए हीरोज फार्मूला आपको कहीं भी फेल नहीं करेगा। बेसिक अप्रोच का एडवांटेज ये होता है कि ये आपको कहीं भी फेल नहीं करता है। लेकिन अगर आप यहां पर शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहते हैं वो भी लगाइए बिल्कुल, क्योंकि कहीं कहीं पे आपके जो है टाइम सेव हो जाता है। जैसे कि सपोज करिए ये इस पूरे फिगर को देखते हैं, इस पूरे फिगर को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं देखूं यहां पर तो ये 13 है, यहां पर 20 है और यहां 21 है पूरा। मेरे दिमाग में ये ट्रिपलेट चल रहा है 5, 12, 13, एक ट्रिपलेट है क्योंकि 13 हाइपोटेन्यूज मुझे यहां दिखाई दिया। अब या तो 12 को इस तरीके से मैं यहां पर विभाजित करूं या 5 को इस तरीके से विभाजित करूं कि तीसरा साइड जो है वो 20 आ जाए। तो मेरे दिमाग में चल रहा है भाई 12, 16 और 20, जिसका अनुपात देखा जाए तो 3, 4, 5, ये भी अनुपात जो है एक तरीके से एक ट्रिपलेट है, 3 का 4 गुना, 4 का 4 गुना, 5 का 4 गुना, इस तरीके से ट्रिपलेट बन गया। तो कहीं ना कहीं ये जो 12 है दोनों में कॉमन है, मतलब इस ट्रायंगल का हाइट मैं 12 ले सकता हूं और ये दो ट्रायंगल मिलाकर बने हुए हैं जिसमें हाइट 12 है और यहां 5 है तो ये 13 बन गया, और यहां हाइट 12 है तो ये वाला आपका वैल्यू हो जाएगा 16 और ये 20 बन गया। अब आपको समझ में आ रहा है, यहां पर मैंने हाइट निकाल दिया इसका, और जैसे ही हाइट निकल दिया तो एरिया निकालना कौन सी बड़ी बात है, हाफ इंटू बेस हो गया 21, क्योंकि देखिए 5 प्लस 16 यहां पर 21 है। इस तरीके से सेट करना कि बाकी दोनों साइड्स का सम यहां 21 बने, इस तरीके से सेट करना है। तो 5 इंटू 21 इंटू 12 करोगे तो ये आ जाएगा 126, 126, ये आपका एरिया बन गया। ठीक है, हाइट निकालने का एक और तीसरा तरीका है, ठीक है, केवल एरिया निकालने की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इससे भी निकालने के अलावा कोई और तरीका और जानना चाहते हैं तो वो भी आप सीख के रखिए। यहां पर आप इसका हाइट डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो h ले लीजिए, ठीक है, यहां पर इसको x ले लीजिए तो ये बन जाएगा 21 माइनस x। दोनों ट्रायंगल में क्या करना है, दोनों ट्रायंगल में आप लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस 21 माइनस x का स्क्वायर बराबर 20। इससे आप दोनों को इक्वेट करके h और x को माइनस करेंगे, यानी दोनों इक्वेशन माइनस करेंगे तो x निकल जाएगा या h निकल जाएगा, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हाइट निकल जाएगा। तो हाइट निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, एरिया निकालने के तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई एरिया निकालने की बात। अब हम आते हैं जो थ्योरम हमने देखा, ये 14 है तो ये 7 है, तो इस दोनों का जो ट्रायंगल का अनुपात होगा रेशियो का वो 2:1 होगा। मतलब अब ट्रायंगल जो निकालना है वो ट्रायंगल एबीडी निकालना है, करेक्ट। एबीडी का एरिया होता है 2/3 × 126, 3 से काटोगे तो 4 और यहां पर 3 से काटोगे इसको तो 2 आएगा, मतलब कितना हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? चलिए, इस सवाल में दिया हुआ है इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी पी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीपी इज टू बीसी इज इक्वल टू 2:1। तो ये जो अनुपात है बीपी इज टू पीसी किस अनुपात में, 2:1 में है। दूसरी बात यहां पर क्या दी हुई है कि हम यहां पर डी पॉइंट ले लेते हैं एपी पे, तो डी पॉइंट एपी पे इस तरीके से लेते हैं कि एडी अनुपात डीपी जो है 4:3 है, मतलब ये 4:3 में है। ठीक है ना, अब आपको बोला गया है कि आप बताइए भाई क्षेत्रफल क्या है। अगर एडीपी का क्षेत्रफल, एडीपी मतलब ये जो छोटा सा ट्रायंगल है इसका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, आप समझिएगा। यहां पर ये 4 है ना, देखिए पहले तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल एबीपी को, इस एबीपी ट्रायंगल को बस देखिए, यहां से हमने इस तरीके से इसको जोड़ा हुआ है डी पर, ये 4:3 पे। देखिए अगर आप इस बेस पर, इस बेस के आधार पर चीजों को देखें, नजरिया है देखने का, अगर ये ए बी और पी है तो यहां से जो हाइट बनेगा वो तो सेम है, चाहे आप ट्रायंगल एडीपी की बात करें एडीपी की या डीपीबी की बात करें, दोनों का हाइट सेम है। तो जिस रेशियो में 4:3 है उसी रेशियो में यहां पर 4:3 में आपका एरिया होगा, और ये 4 का वैल्यू कितना है 16 है, तो 3 का वैल्यू यहां 12 हो जाएगा। मतलब ये जो पूरा का पूरा एरिया है ट्रायंगल एबीपी का, इस पूरे ट्रायंगल एबीपी का एरिया कितना हो जाएगा, ये पूरे के पूरे ट्रायंगल एबीपी की बात करें तो 16 प्लस 12 मतलब 28 हो जाएगा, 28 यूनिट। यहां तक क्लियर? अब आपको सवाल पूछ रहा था कि पूरे पूरे एबीसी का एरिया बताइए, तो देखिए भाई ये 2:1 है, ये तो बहुत सिंपल है देखने में, क्योंकि यहां से जो हाइट होगा ये हाइट सेम रहेगा दोनों का, तो ये 2 है, 2 इतने के बराबर है, तो पूरा का पूरा 3 यूनिट है, 2 यूनिट बराबर 28 है, तो 3 यूनिट बराबर, ये सवाल तो हमने पहले भी देख लिया, ये 14 गुणे हो रहा है, इसमें 14 गुणे करिए 42 आ जाएगा। ठीक है, तो 42 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? एक आखिरी सवाल देखते हैं यहां पर, तो इस फिगर को अच्छे से देखिए, समझिए क्या दिया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां पर दिया हुआ है पीएस अनुपात, एसटी अनुपात और टीक्यू, तो पीएस अनुपात, एसटी अनुपात, टीक्यू का वैल्यू दिया हुआ है और पीयू अनुपात, यू आर का अनुपात दिया हुआ है।
ट्रायंगल PSU डिवाइडेड बाय ट्रायंगल UTR का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ट्रायंगल यहां पर PSU और ट्रायंगल UTR, इन दोनों पे हमको यहां पर डिस्कशन करना है। तो चलिए समझते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करें। देखिए, आप पहले इस ट्रायंगल पर फोकस करिए, पहले तो आप इस ट्रायंगल पर फोकस करिए, ट्रायंगल PTU पर, इस ट्रायंगल पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम देखते हैं यहां पर PTU, इस ट्रायंगल को हम देखते हैं। अब बेस इसको मानिएगा, ये वाला आपका बेस हो गया, और यहां से आप हाइट को देखेंगे। हाइट को देखने पर समझ में आता है ये 4 और 7 है, तो इसका अगर एरिया 4 होगा तो इसका एरिया 7 यूनिट होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो ये 4 और 7 यूनिट के बराबर है। अब इसके बाद आप आना दूसरे ट्रायंगल में, जो बड़ा ट्रायंगल यहां दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये वाला ट्रायंगल में। ठीक है, तो यहां पर 4 यूनिट मैंने कहा, इसका 7 यूनिट। अब बड़े ट्रायंगल की हम बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया। अब आप जब यहां से हाइट देखेंगे, इसको बेस बना लेना, आप इसको बेस बना के आप देखिए चीजों को, इस वाले ट्रायंगल को बेस बना देंगे, और अब हाइट यहां से देखेंगे हम, टी से यहां तक का। तो हाइट दोनों ट्रायंगल का सेम है, चाहे TPU हो चाहे TRU हो, दोनों में। तो ये 2:5 पे बटना चाहिए, और इस 2 यूनिट का वैल्यू जो है ऑलरेडी 11 यूनिट दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे यहां पर एक पूर्णांक चाहिए तो मैं इसको भी 2 गुना करके इसका वैल्यू जो है बना देता हूं 8 और 14, इसको आउट 8 और 14 बना देता, तो पूरा 22 हो गया। मतलब यहां पर इस ट्रायंगल TPU का 2 यूनिट है जो कि 22 के बराबर है। तो ये जो TUR आ रहा है, ट्रायंगल TUR, इसका एरिया निकालना है तो 5 यूनिट होगा, 5 यूनिट बराबर 55 हो जाएगा। मतलब अब इसका वैल्यू हो गया 55, केवल इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बताइए भाई आंसर कितना होगा, क्योंकि PSU का एरिया आ गया 8 यूनिट, इसका एरिया आ गया 8 यूनिट, TUR UTR को अगर देखोगे तो 55 आ गया। तो यहां से 8:55 जो है ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखने का नजरिया बस है, आपको यहां पर समझ में आना चाहिए कि बेस कब लेना है, हाइट कहां से लेना है, ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर सके, रेशियो जो है वो आप फाइंड कर सके एरिया का। इन्हीं कुछ बातों के साथ अब मैं इस वीडियो को रोकता हूं। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से जो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा मोटिवेशन और हाई रहता है कि और बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आए। चलिए, इन्हीं कुछ बातों के साथ इस वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ट्रायंगल्स को, और भी कुछ थ्योरम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, जो आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।